छोड़ दिया अपना रूल, कर ली राधे फिल्म में दिशा पाटनी को किस। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ सारिका कौर। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर आजकल इंटरनेट पर कौन सी खबर वायरल हो रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं, राधे अभी तक रिलीज नहीं हुई है, लेकिन इसकी चर्चा इंटरनेट पर अभी से होने लगी है। वहीं एक और खबर है जो इंटरनेट पर हवा की तरह फैल रही है। जी हाँ, ये खबर है कि सलमान खान ने आखिर अपना रूल तोड़ ही दिया। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या सच में सलमान खान ने लिप लॉक कर लिया, वो भी क्या दिशा पाटनी के साथ? आज मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या अब राधे फिल्म के साथ सलमान खान एक नए तरीके का कुछ फिल्मों में करने वाले हैं? क्या सच में कर बैठे हैं किस? आज मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आखिर ये खबर आई तो आई कहां से? आपको बता दें कि दिशा पाटनी के साथ सलमान खान की एक फोटो तेजी से वायरल हो रही है। उस फोटो में सलमान खान दिशा पाटनी को किस करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी लिप किस, और इसके बाद फैंस काफी कंफ्यूज हो गए हैं। तो चलिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए आखिर सलमान खान ने क्यों मना किया था ऑन स्क्रीन किस करने को और क्यों तोड़ दिया ये रिकॉर्ड। सलमान खान और दिशा पाटनी स्टार फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का जब से अनाउंसमेंट हुआ है, तब से वो किसी न किसी वजह से चर्चा में बना हुआ है। आपको बता दें, फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिससे फैंस का खूब प्यार मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इस पर मीम्स भी बनने शुरू हो गए थे, लेकिन अब एक और वजह से ये फिल्म फिर एक बार चर्चा में आ गई है, और वो वजह है ट्रेलर में सलमान और दिशा का लिप किस वाला सीन। ट्रेलर में सलमान को पहली बार किस करते हुए देखना उनके फैंस के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है। सलमान खान ने पहली बार किसी फिल्म में लिप किसिंग सीन दिया है, जिस पर खूब चर्चा भी हो रही है। लेकिन इसी बीच एक फोटो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान के किसिंग सीन को लेकर कुछ अलग अलग ही दावे किए जा रहे हैं। बता दें कि इस फोटो में सलमान और दिशा के किसिंग सीन को और नजदीक से जूम कर देखा जा सकता है। इस फोटो को जूम करने पर दिशा के मुंह पर टेप देखा जा सकता है, जिसके बाद तस्वीर को देख ऐसा लग रहा है मानो जैसे सलमान खान या तो टेप पर किस कर रहे हैं या फिर टेप को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ये किस असली नहीं है। तो चलिए आगे बताते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे फिल्म के मेकर्स ने तो फैंस को चौंकाने के लिए खूब दिमाग लगाया, लेकिन ऑडियंस भी कुछ कम समझदार नहीं है। लोगों ने झट से उनका झूठ पकड़ लिया, लेकिन मानना पड़ेगा कि सलमान ने इतने सालों से फिल्म में किस करने का कोई भी सीन आज तक नहीं दिया है। वही फिल्म में किस नहीं करने का जो रूल बनाया है वो आज भी बरकरार रखा हुआ है। हालांकि पूरी सच्चाई तो फिल्म रिलीज होने के बाद ये मालूम पड़ने वाली है। राधे के ट्रेलर पर चर्चा करें तो एक्शन से भरपूर इस फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। ट्रेलर्स में एक्शन सीन्स के अलावा दमदार डायलॉग्स भी हैं। सलमान खान का मोस्ट फेमस डायलॉग, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, वो भी ट्रेलर में सुनने को मिला है, जिसके बाद फैंस की उत्सुकता और बढ़ गई है। बता दें कि राधे ओटीटी और थिएटर्स दोनों ही जगह रिलीज हो रही है। फिल्म को ईद पर यानी 13 मई को रिलीज किया जा रहा है। वहीं एक और थिएटर्स में राधे की ग्रैंड रिलीज है, तो वहीं दूसरी ओर जीप्लेक्स पर भी आप इसे देख सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर सलमान खान फिल्मों में कभी इंटीमेट सीन्स क्यों नहीं देते, क्यों नहीं आज तक सलमान खान ने फिल्मों में लिप किस किया। सुपरस्टार सलमान खान की कितनी ही फिल्में हैं जो सुपरहिट रही। खास बात यह है कि अपनी फिल्मों में अपनी हीरोइंस के साथ किसिंग सीन ना होने पर भी भाईजान सलमान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट होती हैं। सलमान खान ने अपने करियर में किसी फिल्म में एक्ट्रेसेस के साथ किसिंग सीन नहीं दिए। इसके पीछे अपनी उनकी एक अपनी सोच है, और वही एक किस्सा भी जिसके बाद से सलमान खान ने इसे अपनी लाइफ में उतार लिया था कि वो किसी हीरोइन को ऑन स्क्रीन किस नहीं करेंगे। बात तब की है जब फिल्म मैंने प्यार किया की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में सलमान खान के अपोजिट एक्ट्रेस भाग्यश्री थी,
भाग्यश्री उस वक्त नई नई इंडस्ट्री में आई थी बतौर लीड एक्ट्रेस। ये भाग्यश्री की पहली फिल्म थी जिसमें सलमान उनके हीरो थे। सलमान खान और भाग्यश्री की जोड़ी को इस फिल्म में बहुत ज्यादा ही पसंद किया गया था, इसलिए सेट पर एक फोटोग्राफर ने दोनों एक्ट्रेस को बीच की केमिस्ट्री को और निखारना चाहा। इसके लिए कहा गया दोनों किसिंग सीन करें। इसके लिए फोटोग्राफर ने सलमान खान के पास गए और कहा कि उन्हें भाग्यश्री को बिना बताए किस करना है ताकि वो कैमरे में कैप्चर हो जाए और वो एकदम नेचुरल सीन को कैद कर सके। लेकिन सलमान खान इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई सीन आपको कराना है तो आप पहले भाग्यश्री जी से पूछिए। भाग्यश्री ने खुद इस किस्से को बयां किया था। वहीं बता दें डेक्कन क्रॉनिकल को बताते हुए एक्ट्रेस ने कहा था सलमान के इस रवैये ने उन्हें काफी सेफ फील करवाया था जबकि वो इंडस्ट्री में उस वक्त बिल्कुल नहीं थी। वहीं 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया में एक किसिंग सीन जरूर था जो कि सलमान और भाग्यश्री के बीच फिल्माया गया था, लेकिन इस सीन भी शीशे को सलमान और भाग्यश्री के बीच रख कर फिल्माया गया था। हालांकि बाद में इस फिल्म का ये सीन बॉलीवुड फिल्मों के बेस्ट सीन में से एक बन गया था और वहीं तब से सलमान खान ने एक रूल बना लिया था कि वो कभी भी फिल्मों में ना तो इंटीमेट सीन्स देंगे और ना ही किसिंग सीन्स देंगे। जी हाँ, कई साल पहले भाग्यश्री के साथ फिल्में करते हुए सलमान खान ने मना कर दिया था कि वो ऑन स्क्रीन किसी को भी किस नहीं करेंगे और ना ही कभी इंटीमेट सीन्स देंगे। और इसी के साथ हर कोई उनकी इस बात का फैन है क्योंकि सलमान खान की फिल्में अक्सर साफ सुथरी ही दिखाई जाती है। जहाँ शाहरुख खान हो गए और दूसरे हीरोज हो गए वल्गैरिटी से फेमस होते हैं, किस करते हैं, इंटीमेट सीन्स देते हैं, लेकिन सलमान खान ने आज तक ना तो अपनी फिल्म में इंटीमेट सीन्स दिए हैं और ना ही किसी फिल्म में किसी को किस तक किया है। फिर भी उनकी फिल्में हमेशा ब्लॉकबस्टर पर हिट जाती हैं। वहीं आपको दूसरी तरफ बता दें लेकिन अब हो सकता है सलमान खान ने अपना ये रूल तोड़ दिया हो सकता है राधे फिल्म में उन्होंने दिशा पाटनी को किस किया हो। लेकिन आपको बता दें सच्चाई ये है कि उस लिप के सीन के बीच में मुंह पर टेप लगी हुई है। तो आखिर क्या करने की कोशिश कर रही है हमारे भाईजान सलमान खान या फिर राधे फिल्म को जितना ट्रोल कर रही है लोग, तो क्या उस ट्रोलिंग का सामना करने के लिए सलमान खान ने ये तरकीब अपनाई है, ये जानना होगा काफी इंटरेस्टिंग जब जल्द ही आएगी मूवी राधे। और अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो देखने के लिए जुड़े रहे नेक्स्ट आई न्यूज से और जाके चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।